वेरी वॉर्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 मई के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को वीडियो सबसे जल्दी पहुँच सके। और आपका दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है जिससे कि मैं आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इसका PDF और क्विज तो मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल पर डालता ही हूँ, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल ही जाता होगा। ठीक है दोस्तों, तो और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने 11 आवर्स में फिनिश किया, तो अगर जो आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी देख लें ताकि करेंट अफेयर समझने में भी आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। कभी 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 क्या होता है, पॉलिटी या ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि US एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है, इंडिया का इंडिया में जो US एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में है, तो US एम्बेसी के नए इंतरिम चार्ज डी अफेयर्स किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डैनियल स्मिथ, और बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिसने सही आंसर दिया है। ऑलमोस्ट सभी ने, जिन्होंने भी कमेंट किया है सबने सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के करंट अफेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कि सीड्स के साथ पार्टनरशिपिंग की है, और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एक नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिपिंग है जिसके तहत कोविड केयर सेंटर को बनाएगी ये कंपनी पार्टनरशिप करके सीड्स के साथ। और करेक्ट आंसर इज पेप्सिको फाउंडेशन। तो हम लोग को पेप्सिको फाउंडेशन का आभार व्यक्त करना होगा क्योंकि पेप्सिको फाउंडेशन ने सीड्स के साथ मिलकर, सीड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर पेप्सिको फाउंडेशन ने नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं लेकिन कोविड केयर सेंटर का सेटअप के लिए पार्टनरशिपिंग की है। तो याद रखिएगा, वही बात कंपनी की है तो फ्लिपकार्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी को किसने खरीदा है, तो फ्लिपकार्ट ने। क्लियर ट्रिप क्या था, तो इससे जहाज बुकिंग, एरोप्लेन बुकिंग या फिर टिकट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग वगैरह की जाती है। वर्ल्ड वन ने जिंदल पावर लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया है। ऑलमोस्ट 97% स्टेक जो है जिंदल पावर लिमिटेड का वर्ल्ड वन के पास है अभी, और ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। और हम लोग देखते हैं, सॉरी दोस्तों पीछे चला गया था, ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है और ये एक अमेरिकन कंपनी है। और फेसबुक के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था, इसने क्या किया है दोस्तों, तो इसने वैक्सीन फाइंडर टूल बनाया है जिसके तहत क्या होगा कि वैक्सीन जो है किस जगह पर है उसको लोकेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा वैक्सीन फाउंडर टूल किसने बनाया है, फेसबुक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, और एक मोबाइल ऐप पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे वेस्ट बंगाल का CM बना दिया गया है तीसरी लगातार बार। द करेक्ट आंसर इज ममता बनर्जी। दोस्तों वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी चल रहा था जिसमें कि फुल मेजोरिटी के साथ ममता बनर्जी के पार्टी को जीत गए हैं, और ममता बनर्जी को तीसरी बार लगातार वेस्ट बंगाल का CM बनाया गया। वहीं हम लोग बात करें महेश बाला सुब्रमण्यम को, तो इन्हें MD बनाया गया है। किस बैंक का, तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का MD CEO बनाया गया, MD बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र पंत की अगर जो हम लोग बात करें तो इन्हें एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है, एक्टिंग चेयरपर्सन, और कहाँ का, तो NHRC का, और NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है गोल्डमैन सैक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2022 जब भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो 11.1% बताया गोल्डमैन सैक ने कि, और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने कि बताया कि 11.1% रहेगा इंडिया का GDP ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022। दोस्तों इसने ये घटा दिया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे लॉकडाउन लग रहे हैं, हमारे ऑलमोस्ट सभी स्टेट में अभी तक लॉकडाउन है। और 11% किसने रहने का अनुमान लगाया, ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और आप मुझे बताइए ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे एज वेल एज इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेटेड। दोस्तों हम लोग 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाते हैं, ठीक है, हाथ का हाइजीन होना वो वाला डे हम लोग मनाते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ भी सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ का थीम रहा फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन
मिडवाइफ, तो थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्यूना डे हम लोगों ने कब मनाया था दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्यूना डे हम लोगों ने 2 मई को मनाया था। ट्यूना क्या है, ट्यूना एक तरफ का दुर्लभ प्रजाति है जो कि एक फिश का कैटेगरी है, मछली का कैटेगरी है, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें 4 मई के, तो 4 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया था, और इसी दिन हम लोगों ने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया था। और 3 मई को हम लोगों ने कौन सा डे मनाया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं अगले वीडियो में भी इसे डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर हु पास्ड अवे, दोस्तों जगमोहन मल्होत्रा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रह चुके थे पहले, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये याद रखिएगा जगमोहन मल्होत्रा का नाम। और बात करें मानस विहारी वर्मा के, तो ये एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे, इसे मैंने अगले क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया है, इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे मानस बिहारी वर्मा, और ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। वहीं हम लोग पारुल देवी दास की बात करें, तो इसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये असम की फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर थी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। चंदो तोमर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने वृद्धावस्था में शूटिंग में बहुत सारे मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन बाय विच कंपनी कंप्लीट टेस्ट फाइन, वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन जिसका नाम है रॉक, याद रखिएगा रॉक इसका नाम है, ठीक है, और इसको किस कंपनी, ये रॉक जो है किस कंपनी ने बनाया है, तो इसे बनाया है स्ट्रेटो लॉन्च ने, और इसने अपना फ्लाइट का टेस्टिंग कर लिया है, और ये फ्लाइट टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा, और ये बनाया गया है स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी के द्वारा, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ बीन बैन फॉर 6 ईयर फॉर ब्रीचिंग ICC एंटी करप्शन कोड, दोस्तों ICC का एंटी करप्शन कोड जो है उसमें उसको ब्रीच करने के लिए, उसका मतलब पालन नहीं करने के लिए 6 साल का वैधता रख दिया गया है, किस प्लेयर को, तो नुआन जोसा को, और नुआन जोसा ये श्रीलंकन प्लेयर हैं, श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर हैं ये, जिनको कि 6 साल तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ICC का एंटी करप्शन कोड को ब्रीच किया है और पालन नहीं किया है। और रविंद्र जडेजा का बात करें, तो इन्होंने IPL में हिस्ट्री रख दी है, क्यों, क्योंकि एक ओवर में इन्होंने 37 रन मारा है, तो ये भी याद रखेगा। और रविंद्र जडेजा को ही ASICS का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ASICS एक स्पोर्ट्स वियर कंपनी है जिनका कि ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। लुई सेमेंटल का दोस्तों नाम याद रखिएगा आप लोग, क्यों, क्योंकि इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, कौन सा, पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है Formula 1 रेसिंग में, ठीक है दोस्तों, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करें, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन्हें मिला है, और कौन से मंथ के लिए इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, तो ये मार्च महीने के लिए मिला है दोस्तों, बताइए जनवरी महीने के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, तो वो मिला है ऋषभ पंत को, और फरवरी महीने के लिए R. Ashwin को, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु लॉन्च ऑपरेशन को जीत फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड पेशेंट, दोस्तों द करेंट आंसर इज आर्म फोर्सेज, दोस्तों जो इंडियन आर्मी है हमारी या फिर आर्म फोर्सेज हैं, उसने एक ऑपरेशन को जीत को लॉन्च किया, जिसके तहत कोविड पेशेंट जो भी है उनका मेंटल हेल्थ के देखभाल की जा सके, वो लोग मेंटली फिट हो सके, तो याद रखिएगा दोस्तों, और ये एक बहुत अच्छी पहल है आर्म फोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज बीन नेम्ड एज 2021 लिटरेट ऑफ द यूनेस्को और गुलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, द करेक्ट आंसर इज मारिया रेसा, दोस्तों मारिया रेसा को 2021 के लिए लिटरेट ऑफ द यूनेस्को और गुलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें रविशंकर की, तो रविशंकर को क्या दोस्तों डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है, किसका, RBI का, और DP कानूंगो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें RBI के डिप्यूटी गवर्नर थे जो कि रिजाइन दे चुके थे, ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर इविता फर्नांडिस का अगर जो हम लोग बात करें, तो डॉक्टर इविता फर्नांडिस को क्या बनाया गया है, तो 29th युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड इन्होंने ही जीता है, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर इविता फर्नांडिस ने, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जनार्दन सिंह गहलोत, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी याद रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हु हैज बिकम द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप फॉर 4th टाइम, दोस्तों वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो मार्क सेल्बी, याद रखिएगा मार्क सेल्बी को वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप
दे दिया गया है और ये चौथी बार है जब ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किसको हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को हासिल किया, तो शॉन मर्फी को हराकर, तो ये भी याद रखिएगा। और सरिता मोरे के बारे में बात करें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 69 kg रेसलिंग के कैटेगरी में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। किसारा परेरा के बारे में बात करें तो ये श्रीलंकन प्लेयर हैं, श्रीलंकन क्रिकेटर प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कर दिया है, अपने आप को संन्यास ले लिया है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले श्रीलंका के प्लेयर किसारा परेरा भी हाल ही में लिया। हु लॉन्च फर्स्ट सोलर प्लांट इन नॉर्थ सिक्किम, दोस्तों इंडियन आर्मी ने हाल ही में लॉन्च किया है फर्स्ट सोलर प्लांट नॉर्थ सिक्किम में, तो याद रखिएगा उत्तरी सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, पहला सोलर प्लांट लगाया गया, सौर ऊर्जा वाला प्लांट लगाया है इंडियन आर्मी ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जो बात करें इंडियन नेवी की, तो इन्होंने समुद्र सेतु 2 अभियान चलाया है, और इसके तहत क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो कमी है COVID-19 में, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा कमी है दोस्तों। हम लोग के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन इसके ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कमी है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह अगर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, तो उसके लिए इंडियन नेवी हेल्प करेगी। और कौन सा ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत, याद रखिएगा। और आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि RBI ने 3 करोड़ का पेनाल्टी लगाया कौन से बैंक पे, और क्यों लगाया ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया भी आप लोग को, ICICI बैंक है या सिटी बैंक या SBI या फिर HDFC बैंक है। और हाँ दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि COVID-19 सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अभी तो थर्ड म्यूटेंट भी आ चुका है, तो अपने घर में ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने घर में रहें, और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएँ, और पूरा सेफ्टी के साथ जाएँ, PPE किट्स साथ में होने चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूँ आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।